तो कहते हैं ना कंटिन्यूअस है, मतलब जो इसकी वैल्यू यहाँ होगी यहाँ होगी यहाँ होगी सेम ही होगी सेम। हम क्या करते हैं h टेंड्स टू जीरो में, h टेंड्स टू जीरो और माइनस कॉस 4x अपॉन x स्क्वायर, ठीक है। देखो 1 माइनस कॉस x अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है, 1 by 2 आती है ना, cos 4x है तो क्या करो 4x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। अरे ठीक है, बाकी देखा रहेगा जो भी होगा। 1 minus cos x upon x square क्या जाएगा, half 1 by 2 आ जाएगा। yes, sir. और ये x square से ये वाला x square कट जाएगा तो यार 16 by 2 आ जाएगा। 8 वैल्यू आई इसकी, एक ही वैल्यू 8 आ गई, ठीक है, आइडिया लग गया। फिर भी अपनी तसल्ली के लिए ये चेक कर लेना है ना, मान लो कंटिन्यूसी ना निकले इसमें तो चल दे रखा है, फिर भी हम अपनी खुशी के लिए कर लेते। क्या करना है, सेकंड वाला पार्ट लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट x, बोला है भी कहीं 0 प्लस है और वो क्या था 0 माइनस था ना, रूट x अपॉन 16 प्लस रूट एक्स माइनस 4x, ठीक है, वो पार्ट का रेशनल है, ठीक है। तो क्या आएगा, मल्टीप्लाइड बाई 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4 डिवाइड बाई 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4। तो देखो ये वाला चीज तो बची रूट एक्स, ये क्या बच गया, देखो ये वाली चीज a प्लस बी और a माइनस बी क्या बच जाएगा, ये रूट एक्स बचेगा ना, इसका रूट हट जाएगा और वो 16 हो जाएगा, ये भी रूट एक्स ही बचा। और ये क्या बचा, 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4, ये चीज समझ आई, ये कट गया यहाँ पे 4 प्लस 4 8 8 ही आ गई थी ये वैल्यू, ठीक है, इसलिए a की वैल्यू क्या आई, a की वैल्यू आई ये 12th के लिए भी बेसिक क्वेश्चन है ना, होने चाहिए तो धीरे धीरे हम इनको करते करते जेई के सवाल तक पहुंचेंगे। पावर में है a अपॉन मॉड साइन x, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ फंक्शन इज कंटीन्यूअस, ठीक है, फाइंड a एंड b इफ फंक्शन इज कंटीन्यूअस। तो पीछे इसकी वैल्यू निकालेंगे, लिमिट x tends to 0 minus, एक चीज देखो साइन 0 क्या होता है, 0 वर्किंग पावर इनफिनिटी है ना, वर्किंग रूल लगा दो e raise to power a upon mod sin x, 0 minus पे चेक करें ना, into 1 plus mod sin x minus 1, ठीक है, ये कट जाएगा, ठीक है, mod sin x है, sin x तो जरूर उतनी पड़ी से फोर नहीं है, इसकी वैल्यू है e raise to a, ठीक है, ठीक है, इसकी वैल्यू 0 प्लस पे, 0 प्लस पे क्या है, e raise to 10 2x upon 2x into 2x, ठीक है, divide by 1 by 10 3x
इनटू 3x और डिवाइड बाय 3x. अरे सही है. यस सर. tan 3x अपॉन 3x 1 tan 2x अपॉन 2x 1 x से x कट गया. ये क्या है? 2x 3. e की पावर 2 बाय 3. लिमिट एग्जिस्ट करती है. यस सर. e की पावर a इज इक्वल टू e की पावर 2 बाय 3. यस सर. a की वैल्यू आ गई 2 बाय 3 और b की वैल्यू क्या आ गई? छोटी सी तो ये इसको क्या बढ़ा देगा? इन्फिनिटी बना देगा. yes,
यस सर ये चीज समझ आई यस सर माइनस है ना माइनस इनफिनिटी ठीक है जीरो माइनस का क्या आएगा माइनस इनफिनिटी ये क्या बन जाएगा जीरो अरे सही है यस सर बहुत छोटी वैल्यू इनटू क्या बन जाएगा ये cos 0 cos 0 क्या होता है 1 ये 0 इनटू 1 मतलब जीरो ही आएगी ना ये वैल्यू यस सर अरे समझ गए तो इसको ये फंक्शन ही जीरो कर देगा समझिए ये बहुत छोटी वैल्यू है उसका स्क्वायर भी और छोटी मतलब लगभग जीरो ही होगी मतलब LHL और RHL तो सेम आ गई फंक्शन कंटीन्यूअस कब बनेगा क्या होती है डेफिनेशन जब fx 0 पे भी 0 हो जाए समझे नहीं यस सर LHL हो गया प्रूफ ठीक है RHL प्रूफ हो गया कंटीन्यूअस कब होगा जब फंक्शन शुड बी fx शुड बी इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 0 बस फंक्शन ठीक है तो यस वी कैन मेक फंक्शन कंटीन्यूअस बाय सेइंग fx इज 0 एट x इज इक्वल टू 0 अरे आगे समझिए यस सर नोट कर लो x into cos 1 by x and gx is equal to and gx is equal to ln secant square x upon x sine x are both continuous at x is equal to 0
एक्स स्क्वायर अरे सही है सर और एक्स टेंड्स टू 0 तो ये भी 0 है सर एल एन 1 प्लस थीटा अपॉन थीटा क्या होता है सर 1 तो मतलब मैं क्या करता हूं मल्टीप्लाइड बाय टेंड्स स्क्वायर एक्स एंड डिवाइडेड बाय टेंड्स स्क्वायर एक्स यस सर अरे सही है सर तो ये वाली चीज भी क्या हो गई 1 हो गई ठीक है टेंड्स स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर भी क्या हो गया 1 ठीक है तो वैल्यू 1 1 आई ना यस सर जीरो की वैल्यू जी जीरो के बराबर है समझ गए मतलब ये नहीं है कि जीरो उसके डोमेन में है बात ये है कि एफ जीरो और जी जीरो की वैल्यू क्या आ रही है लिमिट निकाल के बराबर आ रहा है e रेस्ट टू एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन e रेस्ट टू एक्स प्लस e रेस्ट टू माइनस एक्स अपॉन एक्स e रेस्ट टू एक्स माइनस वन अगर एक्स जीरो के बराबर नहीं है और एक्स जीरो के बराबर है तो के तो फंक्शन क्या है कंटिन्यूस है function is continuous at x is equal to 0 find the value of k तो 1 by e raised to x लिखा देखो function किसमें convert हो गया e raised to 2x plus 1 minus x plus 1 e raised to minus x को कैसे लिख सकते हैं 1 by e raised to x yes sir multiply हो तो ये क्या बन जाएगा e raised to 2x plus 1 divided by e raised to x e raised to x x into e raised to x minus 1 limit x raised to 0 सही है अरे सही है यस सर अब देखो e raised to 2x plus 1 मैं नॉर्मल ले लेता हूं ये क्या बच गया 1 minus x plus 1 divided by e raised to x divided by x into e raised to x minus 1 अरे सही है यस सर अब देखो ये वाली जो चीज है ना ये तो अननोन है नहीं इसकी वैल्यू क्या आएगी 2 अरे सही है यस सर इसकी वैल्यू तो 2 आ जाएगी यस सर e रेस्ट टू x माइनस 1 इसकी वैल्यू क्या आ रही है एक्सपोनेंशियल लिमिट में पढ़ना क्या है ये वैल्यू आ जाएगी 1 ठीक है अरे सही है 1 x स्क्वायर बचा तो कुल मिला के ये यहां लिखो ये क्या आएगा e रेस्ट टू x हां 2 इनटू और लिमिट x टेंड्स टू 0 2 into e की पावर x minus x minus 1 divided by 2 e की पावर x square divided by x square yes sir सही है yes sir अब देखो ये e raised to x 1 में आ जाएगा yes sir इसमें कोई दिक्कत नहीं है no sir यहाँ यहाँ है दिक्कत अरे ठीक है तो क्या करो अलग अलग क्या करोगे ये 2 बाहर रह जाता और ये क्या आ जाएगा e raised to x minus 1 अरे सही है yes sir अपॉन x ठीक है अरे अरे ठीक है yes sir ये तो वैसे तो क्या करो यहां पे इसको चलो एक एक करके करते हैं इसको हम तो हटा दो मैं yes sir इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ये तो 1 ही आ जाएगा ठीक है तो ये वाली चीज तो 1 हो गई ये अपॉन x स्क्वायर बच रखा है तो e raised to x minus 1 माइनस एक्स ठीक है अपॉन एक्स स्क्वायर ऐसे लिख लो इसे ठीक है अब क्या करो इसकी पावर सर इसको एल ऑर्बिटल भी लगा सकते हैं सही बात है कौन सी फॉर्म बन रही है 0 बाय 0 बन रही है ना एल ऑर्बिटल लगा दो तो क्या आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 2 into ये क्या बच जाएगा e raised to x minus 1 upon 2x अरे सही है yes, sir. और इसकी वैल्यू का भी हमने देखी e raised to x minus 1 upon x क्या आ गया 1 1 होती है तो 2 upon 2 1 तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारा ठीक है यहाँ क्या लगाया मैंने एल हॉस्पिटल लगाया एक तरीके का एक्सपेंशन लगा अच्छा उससे भी सॉल्व हो जाएगा ठीक है क्यों क्योंकि पहली टर्म क्या आती है 1 प्लस e रेस्ट टू x अरे सही है यस तो एक्सपेंशन से भी हो सकता था मैंने ऐसा उत्तर से कर दिया ठीक है बेटा
find p function is continuous. 0 1 1 raise to infinity पर भी है ना दोनों. मैंने तुम्हें बताया था limit x tends to 0 fx plus limit x tends to 0 gx क्या आ जाता है. limit x tends to 0 fx plus gx. अरे सही है. yes sir. तो मैं इनको अलग अलग 1 raise to infinity form की तरह solve कर देता हूँ. क्या आएगा ये क्या होता है formula e raise to fx into gx minus 1. देखिए आ जाएगा limit x tends to 0 e raise to है ना cot x into cos x minus 1. इजी समझ आई. यस सर. ठीक है. cot x भी क्या होता है वैसे 1 upon tan x. अरे सही है. यस सर. सही है. देखो cos 0 तो होता है 1 minus 1 0 और tan 0 क्या होता है 0. कभी भी इंडिटरमिनेंट में ना ये. यस सर. अरे सही है. yes, इसकी वैल्यू आई है. इसकी वैल्यू आ गई 1. ऐसे ही secant x वाला है ना e raise to limit x tends to 0 cosecant क्या होता है 1 by sin. 1 by sin सीधा ही लिख दो यहां. yes sir. 1 by sin x और ये क्या secant x 1 by cos x minus 1. सेम ही तरीका है ना. yes sir. अब क्या करो x से multiply divide कर दो. ये चीज मान लो भाई. ठीक है. ये क्या आ जाएगा 1 माइनस cos x अपॉन x into cos x. अरे सही है. yes sir. ये cos 0 तो 1 हो गया. yes sir. तो फिर मल्टीप्लाई डिवाइड बाय x. अरे सही है. yes sir. ये वाला तो 1 हो गया. इसको तो हटाओ. 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर. ये भी क्या हो जाएगा 1 by 2 into 0 क्या आ जाएगा 0. ये चीज समझ आई. यस सर. यहां तो 1 हो आता होगा. ठीक है. तो इसकी वैल्यू भी 1 आ गई. तो इधर से इसकी वैल्यू आई 2. अरे ठीक है. यस सर. अब देखो कंटीन्यूअस है तो मैं ऐसे ही वैसे तो इसकी p की वैल्यू 2 ही आएगी पर फिर मैं ये चेक कर लेता ऐसे अपनी संतुष्टि के लिए. ठीक है. यस सर. है वन आ जाएगी. कौन सी वैल्यू. कौन सी वैल्यू. ये वाली वाली है. पूरा बता रहा है. e raise to x plus e minus 2 cos x upon x sin x. अरे ठीक है. find p function is continuous. चलो चेक कर लेता हूं. चेक कर लेते हैं. आ रहा है. 2 आ रहा है. कोई नहीं ऐसे बोल रहे हो. ठीक है. देखो इधर यहां मल्टीप्लाई डिवाइड बाय x कर दिया मैंने. इसको तो हटाओ सिस्टम से ही. अरे ठीक है. तुम्हारे पास क्या बचा. इसको मिटा रहा हूं. तुम्हारे पास क्या बचा e raise to x plus e raise to minus x minus 2 cos x upon x square limit x tends to 0. ठीक है. 1 plus 1 minus 2 0 पर 0 फॉर्म में. यस सर. एलॉग टू लगा दो. क्या है e raise to x minus e raise to minus e raise to minus x 2 cos x का साइन क्या आएगा plus 2 sin x upon 2. ठीक है. फिर 0 पर 0 फॉर्म में दोबारा कर दो. क्या आएगा ये e की पावर x plus e raise to minus x plus 2 cos x upon 2. इंडिटरमिनेंट गायब होगी. यस सर. e raise to 0 1 5. ठीक है. प्लस 1 प्लस 2 4 बाय 2 कितना होता है बेटा. ओह अब ये कौन सा था जिसका बना रहा लिमिट निकाल लेनी आ रही है बेटा. इसकी वैल्यू तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी इस हिसाब से 2 0 बराबर से